हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस एकेडमी। आप लोग, आई होप कि आप लोग सब अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और बीपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है बोर्ड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बीपीएससी जो बोर्ड है वो बोली अपना जो नोटिफिकेशन में बोली है कि इसका रिजल्ट जल्द ही आएगा, जो 14 बोली थी 14 नवंबर को आ जाएगा। बहुत लोग ऐसा मतलब कि ऐसा गेस कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट और पहले भी आ सकता है, 7 नवंबर को तक, 7 नवंबर 8 नवंबर तक आ सकता है इसका रिजल्ट। बहुत जगह ये इसका चल रहा है डेट वगैरह का कि 7 नवंबर को आ सकता है। तो आप लोग लगे हुए होंगे, अपना पूरा जोशो जुनून से लगे हुए होंगे, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं इस तरह से लगे हुए होंगे कि मतलब कि अपना प्रिपरेशन को आगे ले जा रहे होंगे, इस तरह से लगे हुए होंगे कि मतलब फिर से देना ना पड़े, अगर मौका मिलता है तो फिर से ये सब फिर से पीटी मेंस और ये इंटरव्यू के प्रोसेस में फंसना ना पड़े। अगर एक बार अगर हो जाता है तो कंप्लीट इस बार मतलब कि अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि कहीं भी रुके ना। और बाकी तो मैं आप लोग का जोश जुनून तो बढ़ाता ही रहूँगा, उसका टेंशन ना लीजिए। तो आज हम लोग मतलब लग रही है गाइस, एक्चुअली ये है ना कि थोड़ा सा हिम्मत टूटता है बस, थोड़ा सा कभी फेस्टिवल है तो कभी कुछ है, कभी कुछ है, मतलब और लोगों को देखिए अगर इन्जॉय कर रहे हैं तो लगता है कि हाँ चलो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, थोड़ा सा मन नहीं मानेगा, कभी लगता है कि चलो ना मूवी देख लेते हैं, कभी लगा चलो कहीं घूम आते हैं, दोस्त लोग फ़ोन करते हैं, कभी तबीयत खराब है, तबीयत खराब ना भी है तो लग रहा है कि सुस्त है आज, लग रहा है कि थोड़ा भारी है क्या अंदर से, तो ऐसा तो लगता ही रहेगा, ऐसा लगते रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग को होता, सब लोग को होता है, मुझे भी होता है, बट मैं मतलब दिवाली और छठ में मतलब कि मैं वीडियो लाता रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसे थोड़ा सा मतलब मैं भी थोड़ा सा पंक्चुअल रहा हूँ, आप लोग भी रहिए। हिम्मत तो थोड़ा सा होता है कि लाइफ है तो बहुत सा सिचुएशन रहता है जिसमें कि बहुत तरह का चीज़ आते हैं सामने, दोस्त लोगों का फ़ोन आया तो कभी लगा कि चलो चलते हैं घूम आते हैं, कभी तरह कभी मूवी देखाते हैं, ये सब चीज़ दिमाग में आते रहता है, सबके दिमाग में आता है, बस इसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और इसी से थोड़ा फाइट करना है, क्योंकि अपना में ही फाइट है, दूसरा किसी से फाइट नहीं है। जो 800 के आसपास सीट है बीपीएससी इसमें इस बार में, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे से फाइट है, खुद से ही फाइट है, क्योंकि आप देखिएगा कि खुद ही कमजोर आदमी पड़ता है, खुद मतलब कुछ ना कुछ खुद ही मतलब कि फाइट चलते रहता है अंदर से कि आज बेहतर करना है। फेस्टिवल के टाइम में भी एक्चुअली थोड़ा सा डाउन तो जाएगा पढ़ाई, थोड़ा सा मोटिवेशन लूज तो होगा, बट इसी को बना के रखना, थोड़ा सा बस खींचते जाना है। तो यही है गाइस, जोशो जुनून हिम्मत से लगे रहिए और इस बार लेकर रहना है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, ये हम लोग का ज्योग्राफी ऑप्शनल हम लोग देख रहे थे, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्लाइमेटोलॉजी हम लोग ये देख रहे थे, हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि ज्योग्राफी का तो एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं बीपीएससी का, इसके अलावा जीएस वन का सेक्शन 2 जो है करंट अफेयर्स वो भी हम लोग कर रहे हैं, और वीडियो में हम लोग 10-12 टॉपिक आसपास हम लोग बना चुके हैं, उसका सारा यूट्यूब में डाला हुआ है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टेलीग्राम में भी सारा नोट्स वगैरह डाल देता हूँ। उसके अलावा जो GS1 का सेक्शन 3 जो मैथ है वो भी डाल रहे हैं, और अभी GS1 का सेक्शन 1 अभी टेस्ट दिए हैं नहीं, उसका अभी सोल्यूशन करवाए नहीं है, और GS2 पर भी गए नहीं है हम लोग, तो GS1 और ऑप्शनल साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे जितना हो पाएगा हमसे करवा देंगे सारा आप लोगों का। तो आप लोग भी लगे रहिए, और आज हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी देख रहे हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी इसमें मतलब कि क्लाइमेटोलॉजी का ये सेकंड टॉपिक है, मतलब फर्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेयर का कैसे ओरिजिन होता है, क्या उसका कंपोनेंट्स है और क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसे ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह सारा लेयर्स वगैरह हम लोग सारा करवाए थे डिटेल में, और आज ये एयर मास है, ठीक है ना गौतम, तो एयर मास के बारे में स्टडी करते हैं। तो एयर मास में बेसिकली 3-4 चीज हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, एक तो है कि एयर मास का मतलब एयर मास क्या है, समझना कि इसका मतलब एयर मास क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसका विशेष गुण है, ये समझना, और इसका सोर्स रीजन कि एयर मास डेवलप कहां से होती है, कैसे डेवलप होती है, क्लासिफिकेशन एयर मास को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, और इसका मॉडिफिकेशन एयर मास अगर मॉडिफाई होती है किसी चीज से तो कैसे मॉडिफाई होती है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अगर मॉडिफाई होती है तो पहले एयर मास को समझेंगे। एयर मास मतलब सुनने से क्या लगता है एयर मास कि एयर का कोई मास है, मतलब ना बहुत मतलब कि एयर का ना जैसे नहीं कहते हैं कि लकड़ी का मास है, गट्ठा है, मतलब लकड़ी का बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा है, मास है, उस तरह से एयर का मास है, मतलब बहुत ज्यादा एयर, मतलब एकदम हैवी अमाउंट में, एकदम लार्ज और एकदम बिल्ड, एकदम बहुत बड़ा एयर का एकदम समझो ना एकदम एयर, एक तरह का एयर है बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा एरिया में फैला हुआ है, ऐसा कुछ समझ में आता है ना, हैवी ऐसा ही है। देखोगे ना ये जो एयर मास का कंसेप्ट है ना ये जर्किंस के द्वारा दिया गया था, बी साइलेंट रहता है, BJERKENES जर्किंस के द्वारा दिया गया था, एक नॉर्वेगियन साइंटिस्ट थे, नॉर्वे के रहने वाले थे,
ये कहते हैं ना कि ये हम लोग जो पढ़ते हैं वेदर के बारे में पढ़ते हैं, तो जो जो मिड लैटिट्यूड्स का जो वेदर है ना, मिड लैटिट्यूड्स बोले तो क्या मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे, मतलब जो मिड लैटिट्यूड, जो मतलब कि हम लोग का 50-60 डिग्री के आसपास चला गया मिड, मतलब जो मिड हो गया 45-50-60 ये सब चला गया, तो हम लोग उसका जब स्टडी करेंगे ना, तो उसका स्टडी करने में हम लोग का वेदर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हम लोग कंपेरेटिव टू हम लोग का ट्रॉपिक आसपास का, हम लोग अगर इक्वेटर के आसपास या ट्रॉपिक के आसपास का वेदर का स्टडी करेंगे ना तो आसानी है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बस टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बारिश हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ का लैंड का जितना भी मतलब कि एयर वगैरह है बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, लो प्रेशर डेवलप होगा आसपास के एरिया से, वहां पे जहां हाई प्रेशर वहां से एयर आएगा और वहां पे मतलब कि इस तरह से वहां पे बारिश वगैरह होता है। समझना आसान है कंपेरेटिव टू टॉपिक, कंपेरेटिव टू की जो मिड लैटिट्यूड्स है, मतलब कि जो हायर लैटिट्यूड्स है वहां पे तुमको, वहां पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हीटिंग हो रहा है और बहुत ज्यादा कूलिंग के कारण वर्षा हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, तो वहां का समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए यहाँ पे आता है ये, यहाँ पे मतलब कि ये हम लोग का जो पढ़ना है एयरमास वगैरह का पढ़ना है, समझ रहा है ना ये, तो ये है क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द वेदर ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स। मिड लैटिट्यूड्स का वेदर जो है ना वहां का, अगर हमको वेदर समझना है ना मिड लैटिट्यूड्स का, तो ये समझना जरूरी है कि एयरमास का क्या रोल रहता है एयरमास का, क्योंकि एयरमास जो बड़ा बड़ा जो एयरमास बनता है ना उधर ही बनता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि जो रीजन है ना स्टेबल होता है। अब तुम देखोगे ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या जो मतलब कि जो तुम्हारा ट्रॉपिक्स के आसपास का रीजन है ना, इक्वेटर के आसपास का, यहाँ रीजन स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हीटिंग, दिन में बहुत ज्यादा हीटिंग हो गया, रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी तुरंत बारिश हो गया, कभी तुरंत बारिश खत्म हो गया, तो यहाँ पे इस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है वेदर, जिस कारण से ना यहाँ पे स्टेबल रीजन नहीं रह सकता। जब किसी चीज का स्टेबल नहीं रहेगा तो कैसे किसी चीज का फॉर्मेशन होगा? एयर मास बहुत बड़ा एयर है जिसका टेम्परेचर प्रेशर वगैरह बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, बहुत ज्यादा बड़ा एयर है जिसका फॉर्मेशन होने के लिए या वहां पर रहने के लिए उसको समय चाहिए ना, स्टेबिलिटी चाहिए उस रीजन का। ट्रॉपिक ऑफ जो ट्रॉपिक्स रीजन है ना, इक्वेटर रीजन है ना, वहां पर स्टेबल नहीं होता है। तो ये बेसिकली मिड लैटिट्यूड में ज्यादा बनता है, तो वहां पे क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द वेदर ऑफ मिड लैटिट्यूड, समझ में आ गया ना, इसको समझना जरूरी है, इसको मतलब इसको समझना जरूरी है हमको लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड का या ऊपर लैटिट्यूड का वेदर को समझने के लिए। नहीं समझ में आएगा तो कहा ना, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। डिफिनेशन क्या है एयर मास का? कहता है कि इनॉर्मस एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर, इनॉर्मस एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर, बहुत लार्ज बॉडी में फैला हुआ एयर का, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर स्क्वायर अक्रॉस, मतलब कि थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ है, एंड एक्सटेंडिंग द इंटायर हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। मैंने क्या कहना चाह रहा है, हम अभी ट्रोपोस्फेयर पढ़े थे इसके पिछले वीडियो में, ट्रोपोस्फेयर तक फैला हुआ है, उतना ऊंचाई तक फैला हुआ है। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्या, 6-16 किलोमीटर के आसपास, 16-18 किलोमीटर के आसपास तक, तो यानी कि 16-18 किलोमीटर की ऊंचाई तक और हजारों स्क्वायर किलोमीटर तक चौड़ाई मतलब कि लैंड पे फैला हुआ है। मैंने सोच के देखो, हजार किलोमीटर, मैंने बिहार से पटना हमारा 60 किलोमीटर के आसपास है ना, 60 किलोमीटर के आसपास है, और मतलब कि हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसका सोच सकते हो कितना मतलब कि लंबा हो जाएगा। पूरा बिहार है जो कि 300-400 किलोमीटर मतलब कि आता है, इसका बीड़थल लेन 300-400 किलोमीटर के आसपास आता है, हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है इसका रीजन। तो ये हो गया इसका, ये डिफिनेशन है, समझ में आ गया ना। और उसको करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसका क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जो एयर मास होता है ना, एयर मास जो होता है, सपोज एयर मास, एयर का बहुत बड़ा मास है जो कि हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है और ऊपर में मतलब कि पूरा ट्रोपोस्फेयर तक फैला हुआ है, इसका जो मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि टेम्परेचर और इसका जो मॉइस्चर होता है ना, टेम्परेचर मॉइस्चर होता है ना, इसका मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर और मॉइस्चर जो होता है ना, अगर तुम कहीं जाओगे ना, टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहेगा इसका। और जनरली जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो जाते हैं ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, ऑलमोस्ट सेम या जीरो होता है। मतलब कि यहाँ का टेम्परेचर अगर 20 है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का भी 20 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर जाएंगे ना तो हल्का फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर जाएंगे तो हल्का घटेगा ना, ऊपर जाएंगे तो, जैसे नीचे आएंगे तो हल्का सा बढ़ेगा टेम्परेचर, ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है ना, जैसे भी हम ऊपर जाते हैं तो। तो ये है, तो ये है कि हमने कि इसका वर्टिकल, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है ना, मैंने वर्टिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है ना,
ये मतलब ना ये इसका स्टेबिलिटी डिटरमाइन करता है हम लोगों को। कैसे? अगर कोई एयर मास है उस, अगर कोई भी बॉडी है ना उसका ऊपर का, जैसे कोई एयर मास है ना उसका ऊपर का एयर जो है ना वो अगर ठंडा है और नीचे का एयर अगर गर्म है तो स्टेबल होगा। कैसे? क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक्स है। नीचे का कोई भी चीज गर्म होने के बाद क्या होता है कि ऊपर उठता है, ठीक है, गर्म होने के बाद ऊपर उठता है। क्यों? ठंडा होना चाहता है, ठंडा होना चाहता है या उसका हाँ, कम जाता है हाँ, मतलब कि तो बेसिकली ऊपर उठता है, ऊपर उठ कर फिर ठंडा हो जाता है, फिर स्टेबल रहता है। और जब तुम किसी चीज को गर्म करोगे ना तो अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे गर्म नहीं रहना चाहिए, नीचे ठंडा रहना चाहिए हमारा, ठीक है ना। ठंडा हल्का भारी होता है, नीचे रहेगा, गर्म हल्का हो जाता है, ऊपर उठता है, डेंसिटी घट जाता है उसका। तो डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एयर मास। अगर कोई भी एयर मास है ऊपर में अगर मास गर्म है और नीचे में ठंडा है तो स्टेबल है, ठीक है ना, तो स्टेबल रहेगा एयर मास। और एयर मास में कहीं किसी कारण से ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ऊपर टेम्परेचर अगर घट गया, नीचे टेम्परेचर अगर बढ़ गया, नीचे टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, नीचे टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है ऊपर अगर घट जाता है तो अनस्टेबल हो जाएगा एयर मास। तो ये स्टेबिलिटी इसका करेक्टरिस्टिक्स है। इसका स्टेबिलिटी डिटरमाइन होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर से। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर से इसका स्टेबिलिटी डिटरमाइन होता है। दूसरा कह रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर, एयर जो मास है, एयर मास में कितना मॉइस्चर है ना, ये डिटरमाइन करेगा कि वेदर कैसा होगा वहां का। जो एयर मास जा रहा है उसमें कितना एयर मॉइस्चर है ये डिटरमाइन करेगा कहां वेदर कैसा होगा। अगर सपोज एयर मास है उसमें ज्यादा मतलब कि ज्यादा मॉइस्चर है तो क्या होगा, ज्यादा मॉइस्चर है तो क्या होगा, जहां जाएगा जहां पे बारिश वगैरह करा देगा, रेनफॉल हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो क्या होगा, बारिश नहीं होगा, होगा ना। तो ये डिटरमाइन करेगा कि इफ द वेदर वुड बी मॉइस्ट, सेमी मॉइस्ट और ड्राई, जिस रीजन में जाएगा उस रीजन का, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका दो करैक्टरिस्टिक्स है, एक तो टेम्परेचर, दूसरा मॉइस्चर, मॉइस्चर कंटेंट और टेम्परेचर, वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखते हैं ना कि एयर मास अफेक्ट्स द वेदर ऑफ द रीजन वेयर इट गोस। अभी हम देखे हैं कि अगर कोई एयर मास गर्म है, अगर मान लो कोई एयर मास है जो कि गर्म है तो जहां जहां जाएगा वहां का एनवायरमेंट, वहां का जो वेदर है गर्म कर देगा। अगर उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो वहां पे बारिश करा देगा। तो वहां का जो वेदर जहां जहां जाएगा ना वहां का वेदर डिटरमाइन करेगा। एयर मास आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इसका दो करैक्टरिस्टिक्स है, तो अपने करैक्टरिस्टिक्स पर ही तो कि कोई चीज आइडेंटिफाई होता है। तो एयर मास को आइडेंटिफाई करने का बस दो तरीका है, एक तो है हमारा टेम्परेचर है कि वहां उसका टेम्परेचर कैसा है, उसका वर्टिकल टेम्परेचर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा मॉइस्चर, मॉइस्चर कंटेंट उसमें कितना है। इसी के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि हाँ ये मतलब कि ये मतलब कि आगे देखेंगे कि ये पोलर रीजन का एयर मास है, या फिर ये आर्कटिक का एयर मास है, ये अंटार्कटिक का एयर मास है, ये इक्वेटोरियल का एयर मास है। क्यों? क्योंकि जहां का एयर मास रहेगा ना तो उसका उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर होगा और उसी के हिसाब से उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा। अगर सपोज कोई इक्वेटोरियल का आसपास का कोई एयर मास है तो उसका क्या होगा, उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, होगा ना। अगर कोई आर्कटिक में चले जाओगे तो मॉइस्चर कम होगा, ठंडा एरिया है, एकदम ड्राई एरिया है, तो वहां पे क्या होता है कि मतलब कि वहां पे मॉइस्चर भी कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा वहां पे, होगा ना। तो टेम्परेचर कम होगा, मॉइस्चर कम होगा। तो यही कहता है कि एयर मास आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। फिर है कि हॉरिजॉन्टल जो ग्रेडियंट होता है ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर और जीरो, माने ये समझो कोई एयर मास है, अभी बताए हैं कि हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ, ग्रेडियंट मतलब हुआ कि चेंज ग्रेडियंट। अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे ना तो एयर मास का इस तरह से रहता है ना कि हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे ना तो यहाँ का 20 डिग्री तो यहाँ का 20 डिग्री, यहाँ का 20 डिग्री हॉरिजॉन्टल। यहाँ का मॉइस्चर कंटेंट अगर कुछ है तो यहाँ का मॉइस्चर कंटेंट सेम होगा, यहाँ का सेम होगा। तो ग्रेडियंट देखेंगे तो जीरो होगा या तो वीक होगा, बहुत ही कम मॉइस्चर ग्रेडियंट, बहुत ही कम टेम्परेचर ग्रेडियंट, बहुत ही कम होगा। तो हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर मॉइस्चर होगा ना बहुत ही जीरो या वीक होगा, समझ में आ रहा है ना। सोर्स रीजन माने कि ये बनता कैसे है एयर मास, एयर मास बनता कैसे है, कहाँ सोर्स उसका कैसे है, सोर्स रीजन जहां पे बनता है उस रीजन कैसा होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर प्रॉपर्टी आर अक्वायर्ड बाय एयर मास फ्रॉम वेयर इट डेवलप्स सच सरफेस आर कॉल्ड सोर्स रीजन। ये डिफिनेशन दे दिया क्योंकि बहुत लोग जो यहां से डिफिनेशन पे भी मतलब कॉपी कर सकते हैं, तो बहुत सारा लंबा चौड़ा डिफिनेशन याद नहीं रहता एग्जाम में और वो समझ में भी नहीं आता। तो ये सब डिफिनेशन छोटा है, शॉर्ट में है, इसको समझ में भी आता है कि टेम्परेचर एंड मॉइस्चर प्रॉपर्टी आर अक्वायर्ड बाय द एयर मास। एयर मास है जो टेम्परेचर और मॉइस्चर है, तो शुरू से तो हम लोग टेम्परेचर मॉइस्चर देख रहे हैं,
कि कोई भी एयर मास टेम्परेचर मॉइस्चर उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका हर चीज वही डिटरमाइन करेगा, आइडेंटिफाई उसी से होगा, और उसका मतलब कि सोर्स रीजन से भी अक्वायर करेगा, तो बेसिक वही कैरेक्टरिस्टिक्स अक्वायर करेगा ना कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे टेम्परेचर एंड मॉइस्चर प्रॉपर्टी आर अक्वायर्ड बाय एयर मास फ्रॉम वेयर इट डेवलप्स, जहां डेवलप होता है ना, जिस रीजन में डेवलप होता है वहीं से वो अपना टेम्परेचर मॉइस्चर को अक्वायर करता है, वहीं से करेगा ना जहां डेवलप होगा। सच सरफेस आर कॉल्ड सोर्स रीजन, माने कि जिस रीजन से टेम्परेचर मॉइस्चर को अक्वायर कर रहा है वो उसी रीजन को सोर्स रीजन बोलते हैं, क्योंकि वहीं पे बन रहा है। प्रॉपर्टी क्या होता है एक अच्छा सोर्स रीजन होने के लिए, क्या प्रॉपर्टी है आइडियल, एक अच्छा आइडियल सोर्स रीजन होने के लिए, माने कि सोर्स रीजन माने कि जहां पे एयर मास बन रहा है हमारा, उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो इस तरह से दे देंगे इसका चार, मतलब कि ये जो इस तरह से डायग्राम बनाते हैं ना, आंसर लिखते हैं ना, तो अच्छा दिखता है ये। और इसका एक अलग से हम 5 मिनट का वीडियो लेकर के बना करके हम डाल देंगे कि कैसे हम डायग्राम बना सकते हैं अपना आंसर में, कहां कहां पे क्या स्कोप है। तो प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सोर्स रीजन, तो देखेंगे ना, एक नंबर में देखते हैं कि एक्सटेंसिव एंड लार्ज होना चाहिए। अभी हम तुमको बताए हैं, क्या बताए हैं कि जो एयर मास होता है बहुत ही एक्सटेंसिव होता है, इसका बहुत ही अभी हम बता देना कि इनॉर्मस एंड एक्सटेंसिव होता है बॉडी ऑफ एयर मास, इनॉर्मस एंड एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो उसका तो एक्सटेंसिव एंड लार्ज एरिया होगा, तभी तो जहां पे सोर्स रीजन मतलब कि जहां पे एयर मास बन रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि लैंडी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो मतलब कि ओसन ही हो, लैंड भी हो सकता है, ओसन भी हो सकता है, दोनों का मिला हुआ रहेगा तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा बनने में, वहां भी बन सकता है बट वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब आगे बताएंगे कि मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो मतलब उसका सोर्स रीजन मतलब एक तरह का प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं करेगा ना, अगर मान लिया कि लैंड पे भी, अगर मतलब कि सरफेस पे भी और लैंड पे और ओशन में अगर दोनों जगह अगर हमारा बनता है, दोनों को मिला के अगर बनता है, मतलब कि आधा लैंड पे बन रहा है, जैसे कि मान के चलो ना कि एक आदमी आधा पैर रखा हुआ है ओशन में, एक रखा हुआ है लैंड पे, स्टेबल होगा नहीं होगा ना। एयर मास का कुछ ऐसा ही है कि आधा एयर मास अगर बनता है लैंड पे, आधा ओशन में बनता है, तो उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट वगैरह सब जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा स्टेबल। सो एयर मास का मतलब क्या है, एक एयर मास जो होता है ना, कंप्लीट जो एयर मास होता है ना, एक तरह का प्रॉपर्टी दिखाएगा है? और जहां बन रहा है सोर्स रीजन एक तरह का नहीं है, अगर लैंड है तो लैंड होता है ना, कि जैसे क्या होता है दिन में क्या होता है गर्म ज्यादा, लैंड ज्यादा होता है, सी जो होता है धीरे धीरे गर्म होता है, और रात में क्या होता है लैंड बहुत जल्दी ठंडा होता है, सी धीरे धीरे ठंडा होता है, दोनों का प्रॉपर्टी अलग है, अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो बनेगा नहीं बन पाएगा ना एयर मास का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा वहां पे। एक्सटेंसिव एंड लार्ज होना चाहिए, मान कि ये भी है कि छोटा सा लैंड नहीं हो, ऐसा नहीं कि लैंड है छोटा सा तो वहां पे एयर मास बन जाएगा, एयर मास का एरिया ही बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो उसके लिए जहां सोर्स रीजन है वो भी तो लंबा चौड़ा होना चाहिए ना, इसलिए एक्सटेंसिव एंड लार्ज होना चाहिए। दूसरा है कि फ्लैट एंड होमोजीनियस होना चाहिए, फ्लैट इसलिए बोल रहा है ना कि ऐसा नहीं कि मतलब कि है तो पूरा लैंड ही है तो लैंड ही, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब कि लैंड है तो कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे समतल है, मतलब कहीं फ्लैट लैंड है, कहीं मतलब कि कहीं माउंटेन्स है ना, तो कहीं वैली है, इस तरह से नहीं। यार बनेगा कैसे, आधा नीचे वैली चला जाएगा, बहुत ज्यादा गड्ढा वैली है, हजारों मतलब कि बहुत लंबा चौड़ा 100 मीटर 500 मीटर 200 मीटर लंबा वैली है, फिर पहाड़ है, तो बनेगा कैसे। एयर मास बनने के लिए मतलब एक थोड़ा फ्लैट लैंड चाहिए ना हल्का सा, तो फ्लैट भी होना चाहिए और होमोजीनियस। होमोजीनियस माने क्या, होमोजीनियस माने कि अगर लैंड है तो लैंड, सी है तो सी, यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि एक्सटेंसिव एंड लार्ज होना चाहिए, यहाँ पे फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट माने एकदम फ्लैट समतल नहीं, आइडियल कंडीशन देख रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं फ्लैट, हल्का सा हल्का ऊंचा नीचा तो लैंड है, ऊंचा नीचा तो हल्का होगा ही, लेकिन अगर आइडियल कंडीशन देखें तो एकदम फ्लैट होना चाहिए और एकदम होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब तो एकदम लैंड है तो एकदम लैंड होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा थोड़े ना है कि लैंड है अब इसमें कहीं से हल्का सा झील आ गया, सपोज कहीं हल्का सा रिवर आ गया, छोटा मोटा कहीं गड्ढा जिसमें पानी जमा हुआ है, तो उसको थोड़ी ना उसको कंसीडर करेंगे, अगर एकदम आइडियल देखेंगे तब उसको भी कंसीडर करेंगे, लेकिन हम एक्चुअली आइडियल देख रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि एकदम होमोजीनियस होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, लेकिन अगर हल्का सा प्रैक्टिकल कंडीशन में जाओगे ना तो होमोजीनियस का मतलब कि लैंड है तो लैंड होना चाहिए, वाटर है तो वाटर होना चाहिए, फ्लैट है मतलब कि बहुत ज्यादा वैली माउंटेन इस तरह से शिफ्ट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए लेकिन मतलब कि कम होना चाहिए चेंजेस, तो ये हो गया ठीक है ना। हाई प्रेशर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई प्रेशर होना जरूरी है इस रीजन का, क्योंकि जहां पे लो प्रेशर होता है ना वो रीजन स्टेबल नहीं होता है, वहां का वेदर वगैरह स्टेबल नहीं होगा। सोचो ना कि इस रीजन में मान लिया कि लो प्रेशर अगर डेवलप हो गया मेरा, सोचो कि इस रीजन में अगर लो प्रेशर डेवलप हो गया तो क्या होगा, सारे जगह से एयर को अट्रैक्ट करेगा,
करेगा ना, क्योंकि एयर तो फिल करना चाहता है, तो जहां जहां हाई प्रेशर होगा ना वहां से क्या करेगा एयर उसको भरना चालू करेगा, तो स्टेबल रहेगा ये रीजन, लो प्रेशर स्टेबल रहेगा। इक्वेटर पे ही देखो, इक्वेटर पे क्या होता है, लो प्रेशर डेवलप होता है, बहुत ज्यादा दिन में हीटिंग होता है, लो प्रेशर होता है, एयर उठता है वहां से, क्या होता है जैसे कि ये मान जाएगी इक्वेटर है मेरा, ठीक है, और ये मेरा ट्रॉपिक्स है, तो क्या होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा हीटिंग होता है, हीटिंग होने के कारण क्या होता है यहाँ का एयर गर्म होकर ऊपर उठता है ना, और यहाँ से क्या करता है, यहाँ से जब यहाँ हाई प्रेशर है ना, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो क्या होता है कि यहाँ से जो एयर है ना इस डायरेक्शन में चलना चालू करता है फिल करने के लिए, और यही एयर यहाँ आकर के हीट होता है, मतलब कि डायरेक्ट पड़ता है सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है ना इक्वेटर पे, तो ये हीटिंग होता है, हीटिंग होकर ऊपर उठा इस तरह से साइकिल कंप्लीट होता है, ऊपर जाता है ना तो ऊपर जाकर ठंडा होकर इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस तरह से साइकिल कंप्लीट होता है ये, ठीक है ना, एक सेल बनता है। तो जो हाई प्रेशर है थोड़ा देखा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां से तो बस डिस्पर्स हो रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, हाँ यार एक्स्ट्रा है इधर उधर मूव कर रहा है, ये मोर ऑर लेस स्टेबल होगा, वर्षा यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि जो गर्म है गर्म उठ रहा है यहाँ जा रहा है, ठंडा होगा तो पानी बनेगा, तो यहाँ पे वर्षा होगा ना, फिर यहाँ पर रेन होगा ना यहाँ पे, और जो यहाँ पे आ रहा है ऊपर से, तो यहाँ से जो आ रहा है ये तो ठंडा हो गया यहाँ से, यार वर्षा हो गया ठंडा हो गया यार, अभी तो मुंह पुकारा ठंडा यार आ रहा था, यहाँ तो बारिश होगा, कम बारिश होगा, लेकिन जहां पे हीटिंग ज्यादा हो रहा है वहां से ऊपर उठ रहा है, अभी ठंडा हो गया, ऊपर उठने के बाद बारिश हो गया, फिर यह ठंडा एयर मूव कर गया इधर, क्योंकि ये सेल कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे अनस्टेबल होगा यहाँ का रीजन ज्यादा, समझ में आ रहा है ना, तो यह हाई प्रेशर होना जरूरी है, क्योंकि जहां पे फॉर्मेशन हो रहा है ना इसका, सो जहां पे प्रमोशन हो रहा है एयर मास का उसका लो प्रेशर रहेगा ना, तो स्टेबल नहीं होगा, वर्षा होगा वहां का वेदर चेंज होते रहेगा, तो जो करेक्टरिस्टिक्स है ना ये एक्वायर नहीं कर पाएगा, और हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, थोड़ा देर के लिए स्टेबल रहेगा रीजन, ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया, दूसरा स्टेबिलिटी, इसी का कह सकते हो एक अदर फॉर्म है स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग पीरियड, अगर हाई प्रेशर रहेगा तो स्टेबिलिटी रहेगा, और स्टेबिलिटी अदर सेंस में भी, मतलब कि ऐसा ना हो कि मतलब कि वहां का मतलब कि वेदर तुरंत चेंज करे, टेम्परेचर मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट जाए, बरसात तुरंत हो जाए, तुरंत बारिश खत्म हो जाए, उस तरह से एयर मास नहीं बन पाएगा ना, समझ रहा है ना, इतना समझाने से क्या समझ में आता है, इतना समझाने से समझ में यह आता होगा तुमको कि एयर मास कोई लंबा चौड़ा एरिया में फैला हुआ एयर है जो वहां पे मतलब कोई एक सोर्स रीजन में बनता है, और बनता वहीं पे है जहां लंबा चौड़ा एरिया हो, फ्लैट लैंड हो, होमोजीनियस टाइप का लैंड हो, रीजन स्टेबल हो, हाई प्रेशर हो, वहां पे क्या होता है कि एयर मास जब बनेगा ना तो देर तक रहेगा, एयर मास बनेगा तो देर तक रहेगा, अगर लो प्रेशर हो जाएगा ना तो क्या होगा ना कि तुरंत मतलब कि तुरंत दूसरा जगह से आएगा ना तो एयर के साथ बाहर कहीं चला जाएगा वो, हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा ना कि जहां बनेगा ना तो वहां देर तक रहेगा एयर मास, जब देर तक रहेगा ना तो आसपास के रीजन का जो करेक्टरिस्टिक्स है ना एयर मास अक्वायर करेगा, अगर ठंडा जगह है तो एरिया ठंडा जहां बन रहा है तो ठंडा एयर मास होगा, अगर गर्म एरिया है तो थोड़ा सा गर्म एयर मास बन जाएगा हमारा, वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास बन जाएगा ना, तो कुछ ओवरव्यू मिल रहा है ना एयर मास का, ओवरव्यू समझ में आ रहा है ना कि एयर मास क्या होता है जहां बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करता है, जहां बनेगा वहां पे कितना मॉइस्चर है, कितना टेम्परेचर है, उसके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करेगा वो, कैरेक्टरिस्टिक्स उसे एक्वायर करेगा, ठीक है ना, और जहां जाएगा ना वहां का भी जो टेम्परेचर मॉइस्चर वगैरह वो भी चेंज कर देगा, मानी कि समझो ना कि बच्चा तरह का एक एयर मास ना एक बच्चा है वो ना जब बनता है ना जब यार जब जब बच्चा जब छोटा बच्चा होता था क्या होता है जहां पे फैमिली में रहता है ना तो उसका हैबिट वगैरह उसका जो स्पीकिंग पैटर्न है या जो जिस तरह के स्पीकिंग स्किल्स है या जो भी स्किल्स है धीरे धीरे एक्वायर करता है बच्चा सीखता है धीरे धीरे सांचो एयर मास वैसा ही है जहां बन रहा है ना सोर्स रीजन जहां बन रहा है ना सोर्स रीजन माँ पिताजी ये सब है जहां पे बन रहा है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करता है रीजन स्टेबल होना जरूरी है तभी तो बच्चा सीखेगा अब बच्चा को मान लिया कि कभी इस फैमिली में रख लोगे तो अक्वायर कर पाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कर पाएगा स्टेबल भी नहीं होगा सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा तो रीजन स्टेबल होना चाहिए तो वो मतलब बच्चा धीरे धीरे अक्वायर करेगा अब वो फिर अक्वायर बच्चा जब बड़ा हो जाएगा लंबा समय के बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा जब एयर मास अक्वायर कर लेगा कैरेक्टरिस्टिक्स तब फिर कहीं जाएगा ना बच्चा तो वहां जाके भी अपना इन्फ्लुएंस करेगा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को वहां पे दिखाएगा इन्फ्लुएंस करेगा आसपास के लोग भी उसे सीखेंगे तो वही बात है एयर मास भी क्या होता है ना कि बांधने के बाद फिर क्या होगा ना
कि जो हमारा जो ग्लोब में जो हमारा एयर है ना, जो एयर सर्कुलेशन होता है, हमारा जो एयर सर्कुलेशन होता है उसके थ्रू ये बह करके कहीं और जाएगा, हवा है ना, एयर मास हवा ही तो है, तो बह करके एयर मास कहीं और जाएगा, जहां जहां जाएगा ना वहां वहां अपना करेक्टरिस्टिक्स का इफेक्ट लाएगा वहां पे, समझ रहा है ना। उसके बाद देखते हैं एयर मास, देख लिए सोल सीजन, देख लिए अभी इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब एयर मास है तो उसे क्लासिफाई भी करेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक्स होता है टेम्परेचर मॉइस्चर, तो ये जिस रीजन जिस कारण से एक्वायर कर रहा है उस बेसिस पे इसको क्लासिफाई भी तो कर सकते हैं ना, क्या अलग अलग एयर मास। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सरफेस एंड सरफेस दैट इज वाटर एंड लैंड, मानी कि जिस नेचर ऑफ सरफेस के, जैसे हमारा जो हमारा सोर्स रीजन है ना, तो सोर्स रीजन का सरफेस क्या है, जहां पे बन रहा है वो कैसा है, लैंड है कि वाटर है, उस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। बोलते हैं अगर कॉन्टिनेंट में बन रहा है, लैंड में बन रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल एयर मास। अगर मैरीटाइम पे बन रहा है, वाटर में बन रहा है, उसको बोलेंगे मैरीटाइम एयर मास, ठीक है, मैरीन एयर मास, ठीक है ना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉपिक्स लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के यहाँ पे तो यहाँ मॉइस्चर एक्वायर करेगा ना, अगर लैंड पे रहेगा, अगर वाटर में रहेगा, मैरीटाइम में रहेगा, ज्यादा मॉइस्चर एक्वायर करेगा, यहाँ पर रहेगा तो कम मॉइस्चर एक्वायर करेगा, करेगा ना, ऐसा ऐसा है ना। लैटिट्यूड्स में भी तो है, यहाँ भी टेम्परेचर मॉइस्चर आ जाएगा, क्योंकि हायर लैटिट्यूड्स में है, पोल के आसपास है, तो वहां पर मॉइस्चर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, इक्वेटर पे है तो मॉइस्चर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसी के हिसाब से ये सबसे आर्कटिक में बनेगा तो उसको ए बोलेंगे आर्कटिक एयर मास। फिर सबसे नीचे बनेगा तो अंटार्कटिक, जैसे कि ये ग्लोब है ना गौतम, ये ग्लोब है ना, ये यहाँ बनेगा ऊपर में तो आर्कटिक एयर मास ए हो गया, यहाँ बनेगा तो अंटार्कटिक एयर मास डबल ए हो गया, ठीक है। इसके नीचे बनेगा यहाँ पे इसको बोलेंगे पोलर एयर मास दोनों साइड में, और उसके नीचे बनेगा यहाँ पे इसको बोलेंगे ट्रॉपिक एयर मास, बीच में बनेगा उसको बोलेंगे इक्वेटर एयर मास, ठीक है ना। आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक हो गया सबसे ऊपर सबसे नीचे, उसके 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 बाद हो गया पोलर ऊपर गया, यहाँ भी पोलर, यहाँ भी पोलर, यहाँ भी ट्रॉपिक, यहाँ भी ट्रॉपिक, इक्वेटर पोलर हो गया, माने कि पोलर मतलब ऐसे मत समझना, आर्कटिक मतलब नहीं हो गया, आर्कटिक से हल्का सा नीचे हो गया, आर्कटिक से नीचे पोलर, हाँ आर्कटिक पोलर मतलब पोल तो है, पोल तो पूरा कहीं पोल लेंगे जी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेकिन जो हम कह रहे हैं ना कि आर्कटिक इसमें जो क्लासिफाई किया है ना किस बेसिस पे किए हैं, आर्कटिक माने एकदम आर्कटिक वाला रीजन, आर्कटिक एकदम ऊपर वाला रीजन ये, और अंटार्कटिक हो गया एकदम नीचे वाला रीजन ये, इसको ए बोलेंगे, और इसके नीचे जो मेन जो कहीं पर रहेगा ना तो उसको पोलर बोलेंगे, पोलर तो पोल नॉर्थ पोल पे है, अब उसको कोई क्लासिफाई थोड़े ना है कि हाँ यहाँ से एक डिग्री नीचे जाएंगे तो पोल नहीं बोलेंगे, दो डिग्री जाएंगे तो पोल बोलेंगे, ऐसा थोड़े ना कुछ है, इस तरह से क्लासिफाई किया गया है इसको, जो साइंटिस्ट लोग हैं इस तरह से क्लासिफाई किए हैं जो ज्योग्राफर हैं, कि सबसे ऊपर वाले को आर्कटिक, सबसे नीचे वाला को अंटार्कटिक, और आर्कटिक अंटार्कटिक के जस्ट रहेगा ना बगल में उसको पोलर बोलेंगे, और पोलर के जस्ट नीचे रहेगा उसको ट्रॉपिक, उसके बाद इक्वेटर, पांच को हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सरफेस के बेसिस हम लोग कर दिए कॉन्टिनेंटल और मैरिटाइम, इसके बेसिस पर कर दिए पांच, अब दोनों को मिला के ना एक्चुअली जब प्रैक्टिकल में देखोगे ना तो ऐसा एयर मास नहीं बनेगा कि आर्कटिक एयर मास बन गया, पोलर एयर मास बन गया, ट्रॉपिक एयर मास बन गया, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल में बताए थे ये, तो प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं बनेगा, प्रैक्टिकल में तो क्या होगा कि सी भी रहेगा लैंड भी रहेगा, तो ये दोनों मिला करके एयर मास बनेगा, तो ये दोनों को जब मिलाएंगे ना तो सिक्स एयर मास जो है ना जो मेजर पॉसिबल है मिलाने के बाद वो क्या क्या है, तो पहले देखते हैं, पहले मैरीटाइम को ले लेते हैं एम, इसको छेवो को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर इसको कॉन्टिनेंटल को लेते हैं, फिर छेवो को ले लेते हैं, आसानी है ना इसे समझना। अब देखते हैं जो मैरीटाइम जो है ना, मैंने जो पानी पानी जो है ना सारा बनेगा आर्कटिक अंटार्कटिक छोड़ करके, क्यों, क्योंकि आर्कटिक अंटार्कटिक में ज्यादा पानी थोड़े ना है, वहां पर तो मॉइस्चर होता ही नहीं, मतलब क्या हाँ मॉइस्चर नहीं होता, ऐसे भी देख सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि वहां पर तो मतलब कि लैंड है ही नहीं, सब जमा हुआ आइस के फॉर्म में है, पानी तो है नहीं, तो वहां पर क्या किया ना कि मैरीटाइम को आर्कटिक अंटार्कटिक को हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्टिनेंट क्या है ना कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, मतलब कि बहुत ही सिंपल जनरल तरीका में, अगर तुम बुक देखोगे ना, कल हम देख रहे थे सविंदर सिंह का जो क्लासिफिकेशन जो है हम देख रहे थे, जो क्लाइमेटोलॉजी का स्पेशल बुक आता है सविंदर सिंह का, वो सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी ने एक अलग से एक बुक आता है उसमें देख रहे थे, तो उसमें अलग अलग जो है ना ज्योग्राफर अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किए हैं, और वो समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, सबको मिला करके एक जनरल है इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। फिर कॉन्टिनेंट का देखेंगे ना, तो कॉन्टिनेंट में क्या होता है ना कि कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक और इक्वेटर को हटा देते हैं, कॉन्टिनेंट में क्या होता है ना कि आर्कटिक रखते हैं, ठीक है, अंटार्कटिक रखते हैं, यहाँ तो कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पे तो लैंड ही तो है, मतलब कि
अति ओसन तो नहीं है ना यहाँ पे, ज्यादा आइस के फॉर्म में है, तो ये दोनों को ले लेते हैं, और पोलर जो है ना पोलर को दोनों में ले लेते हैं बस, और ट्रॉपिक इक्वेटर को नहीं लेते हैं, ट्रॉपिक इक्वेटर को नहीं लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक इक्वेटर मतलब कि लैंड पे ना, लैंड पे ट्रॉपिक इक्वेटर के पास में ना बहुत पानी होता है। हाँ मतलब कि पानी नहीं, ऐसे कह सकते हो ना, पानी तो यहाँ तो ले ही रहे ना, ट्रॉपिक इक्वेटर को यहाँ ले रहे हैं, लेकिन मैरिन में ले रहे हैं, ट्रॉपिक इक्वेटर को मैरिन में ले रहे हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट में जब देखेंगे ना तो ट्रॉपिक इक्वेटर को नहीं देंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट पे मतलब कि अनस्टेबल रहता है, एक तो फ्लैट भी नहीं मिलेगा तुमको, बहुत ज्यादा माउंटेन वैली लैंड ये वो मिलेगा तुमको, तो अस्टेबल भी नहीं है, और इक्वेटर पर तुरंत तुरंत बारिश होगा, तुरंत तुरंत चेंज करेगा, तो अगर लैंड पे सी दोनों मिला करके लेंगे ना तो अस्टेबल नहीं रहेगा वहां पे, तो मतलब कि इसलिए कॉन्टिनेंट का जो इक्वेटर है ना, कॉन्टिनेंट का इक्वेटर को हटा दिए हैं, और ट्रॉपिक इक्वेटर को, ट्रॉपिक कॉन्टिनेंट को हटा दिए समझने के लिए है बस, ये बहुत ही, ये एक्चुअली बहुत ही मतलब कि ये है कि जो क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट लोग किए हैं ना, बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एयर मास कि उसको पूरा जाके उसका जो भी स्टडी पैटर्न, उसका जो पैटर्न है देखना कि एयर मास का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, बहुत सारा फैक्टर लगा के लोग की स्टडी होता है एयर मास वगैरह का। तो हम लोग जनरल तरीका से समझने के लिए इसको इस तरह से समझ रहे हैं, इस कॉपी पर थोड़े ना होगा ये सब चीज़, जो ज्योग्राफर लोग होंगे जाएंगे वहाँ पर डेटा वगैरह देखेंगे। एक्चुअली ये सब जो जर्किन से ना कंसेप्ट दिया है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का ये कंसेप्ट है एयर मास वगैरह, उस समय क्या हुआ कि जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था ना, तो मिलिट्री ऑपरेशन में बहुत सारा डेटा आया उनके पास ना, तो डेटा को एनालाइज करना चालू किया भीतर का, तो लगा कि नहीं इस तरह का जो टॉपिक में जो है ना, जो हमारा जो एयर मास वगैरह, तो उनको समझना चालू किए, तब समझ में उनको आया कि हाँ जो कंसेप्ट वगैरह उनके पास आया उसके हिसाब से वो दिए कि इस तरह का एयर मास बन सकता है, किस तरह का एयर मास नहीं बन सकता है, वो जो डेटा आया प्रैक्टिकल जो है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है जिसका डेटा आता है उसके बेसिस पे सब क्लासीफाई होता है। हम तो पेपर पर समझने के लिए कह रहे हैं ना, तो बस सीधे याद रख लो ना, इसको कुछ नहीं है, इसको याद रख लो कि मैरिटाइम जो होता है ना उसको ऊपर वाला नीचे वाला नहीं होता, समझ में आ रहा है, है? और बाकी इसमें और बाकी तीनों इसमें होगा, बाकी कॉन्टिनेंट में जाओगे ना तो कॉन्टिनेंट में मतलब कि ट्रॉपिक इक्वेटर को काट देना, यानी कि इसमें ऊपर वाला नीचे वाला कट जाता है, ऐसे ऊपर वाला नीचे वाला हो जाएगा, खाली ये एक्स्ट्रा हो जाता है, पोलर दोनों में रहता है, इसमें ऊपर नीचे का कट जाता है, इसमें ऊपर नीचे का रहता है, मतलब कॉन्टिनेंट में बर्फीला रहता है, ऐसे बर्फीला नहीं रहता। हाँ मैंने सीधे मैरिटाइम में, मैरिन में देख लो ना कि आर्कटिक अंटार्कटिक में नहीं होगा मैरिन, क्योंकि वहां पे लैंड वगैरह, वहां पे मतलब पानी वगैरह नहीं है, तो आर्कटिक अंटार्कटिक हटा दो, बाकी तीनों होगा। अब कॉन्टिनेंट में जाओगे तो जो इसको हटाए हो ना उसको उसी को लेना ही है मात्र, अब पोलर दोनों में रहता है, ठीक है ना, मैंने कि इक्वेटर और ट्रॉपिक जो है ना कॉन्टिनेंट में नहीं होता है। इसके हिसाब से देखोगे ना तो तीन यहाँ छह को बन गया, मैंने कि जो मैरिन है उसका क्या क्या बन गया, मैरिन का पोलर बन गया, मैरिन का मतलब कि मैरिन का क्या क्या बन गया, पोलर बन गया, ट्रॉपिक बन गया, इक्वेटर बन गया, इक्वेटोरियल बन गया, तो इसको बोलेंगे मैरिन पोलर एयर मास, इसको बोलेंगे मैरिन ट्रॉपिक एयर मास, इसको बोलेंगे मैरिन इक्वेटर एयर मास, इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, कॉन्टिनेंटल अंटार्कटिक एयर मास, ठीक है। छह तो बन गया, लेकिन इसमें से भी जो मैरिटाइम ट्रॉपिक है, जो मैरिटाइम का ट्रॉपिक है, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल का पोलर है, मैरिटाइम का ट्रॉपिक, ये मैरिटाइम ट्रॉपिक है, कॉन्टिनेंटल पोलर, ये दोनों है ना, ये दोनों ना अच्छे से बनता है, वेल डेवलप्ड एंड हैव बेस्ट कंट्रास्ट, मैंने एकदम अच्छे से कंट्रास्ट मतलब क्या हो गया, विजिबल। नींद आ रहा है क्या? ना। तो वेल डेवलप्ड एंड हैव बेस्ट कंट्रास्ट, मैंने कि जो मैरिटाइम ट्रॉपिक एंड कॉन्टिनेंटल पोलर जो बनता है ना, बनने का तो एयर मास कहीं भी बन जाएगा, लेकिन अब कहीं पे बन रहा है तो उसका मतलब क्या होता है ना, कि एकदम ह्यूज बन रहा है, और जो दो एयर मास बन रहा है ना, तो सुन देखो ना, दो एयर मास बनेगा तो कुछ चेंजेज आएगा ना वहां पे, एक एक, एक कुछ चेंजेज आएगा ना, तो जो एयर मास बन रहा है अच्छे तरीका से बन रहा है ये दोनों, और जब दोनों मिलते हैं ना, तो मैंने कि मिलना छोड़ दो, ऐसे समझो ना कि है जो बन रहा है ना बहुत ही अच्छे तरीका से बन रहे हैं, और है बेस्ट कंट्रास्ट, मैंने दिखते हैं कि हाँ बन रहे हैं। बहुत सारे मास तो ऐसा है ना कि हल्का सा एयर मास बना, देखो इसका कोई डिग्री नहीं है, कोई टेम्परेचर, कोई थर्मामीटर नहीं है कि हाँ लगा लोगे थर्मामीटर है देखो कि हाँ इतना डिग्री जाते हैं मैंने बुखार है, इतना डिग्री से कम है मैंने बुखार नहीं है, ऐसा थोड़ा ना कोई एयर मास होता है कि हाँ कह दोगे कि इतना डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, इतना मॉइस्चर है, इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ है तो एयर मास है, ये एयर मास नहीं है। हो सकता है कोई वीक एयर मास होगा, जैसे कि जो ये होता है ना बनता है, लेकिन ये बहुत ही वीक होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, ये भी बनता है लेकिन बहुत वीक एयर मास होता है, ठीक है ना। जो ट्रॉपिक का जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक होता है बनता है लेकिन बहुत वीक एयर मास होता है। तो वही कह रहे हैं कि जो बात जो हमारा अच्छे से दिखेगा उसको हम कह रहे हैं कि ये सब छह मेजर होता है,
छह में से भी दो कलर हम दो अलग कर दिए हैं, मैरिटाइम ट्रॉपिक कॉन्टिनेंटल पोलर। ये जो होता है ना अच्छे से बनता है और है बेस्ट कंट्रास्ट, मतलब दिखता है कि हाँ बना हुआ है ये, ठीक है ना। उसके बाद मॉडिफिकेशन देखते हैं, समझ में आ रहा ना, नहीं आ रहा तो कह सकते हो क्योंकि थोड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है। मॉडिफिकेशन देखते हैं, एयर मास बांध तो गया और कहीं जाएगा तो मॉडिफाई भी तो होगा, जहां जाएगा क्या बोले थे, जहां जाएगा वहां का एबिलिटी एक्वायर करके मॉडिफाई होगा और उस रीजन को भी मॉडिफाई करेगा। बच्चा है, जहां जहां जाएगा तो हम लोग जाते हैं तो कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, कहीं से कुछ सीखते हैं, कहीं कुछ सिखाते हैं, है ना। तो जहां जहां जाएगा वहां मॉडिफाई भी होगा, मॉडिफाई करेगा भी। तो हम ये देखते हैं ना कि एयर मास मॉडिफिकेशन, एयर मास का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, कहीं जाता तो कैसे मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है ना। तो थ्री टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन एसोसिएटेड विद द वेदर पैटर्न, यानी कि तीन तरीका का मॉडिफिकेशन होता है ना इसमें, जो वेदर पैटर्न से रिलेटेड है, यानी कि जहां जाएगा ना तो वहां का वेदर को चेंज कर देगा, मॉडिफाई खुद भी मॉडिफाई होगा, यानी कि खुद मॉडिफाई होगा और वहां का वेदर कैसे चेंज करेगा ये देखते हैं। वेदर फिनोमेना माने मॉडिफाई होकर के वेदर कैसे चेंज करेगा। तो देखो लो लेवल टर्बुलेंस बिकॉज ऑफ सर्फेस फ्रिक्शन एंड लोकलाइज वेदर चेंजेस। अब कहीं जा रहा है, मतलब कहीं एयर मास कहीं गया और वहां पे मतलब कि फ्लैट लैंड पे जा रहा था, द माउंटेन आ गया, तो भी क्या होगा, अगर उसमें मॉइस्चर है तो माउंटेन पे चढ़ जाएगा। जैसे कि ऐसे समझो ना कि ऐसे माउंटेन है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से एयर मास जा रहा था, तो एयर मास जाएगा तो इसमें मतलब हल्का फुल्का अगर मॉइस्चर है तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाकर एयर मास कूल होगा ना यहाँ पे, कूल होने के बाद क्या करेगा, यहाँ बारिश करा देगा ना। तो ये जो ये सब इसी कारण टर्बुलेंस आएगा ना एयर मास का, एयर मास में टर्बुलेंस आएगा, एयर मास में डिस्टर्बेंस आएगा, एयर मास जो अपना एक एयर मास है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा ना। वही कह रहा कि लो लेवल टर्बुलेंस हल्का फुल्का टर्बुलेंस आता है बिकॉज किसके, सरफेस फ्रिक्शन के कारण, सरफेस फ्रिक्शन ही तो है डिस्टर्ब ही तो कर रहा है इसको, समझ रहा है ना, सरफेस फ्रिक्शन के कारण, लोकलाइज वेदर चेंजेस के कारण। अब कहीं जा रहा है, कहीं मान लिया कि कहीं जा रहा है यहीं पे हैवी रेन होना चालू हो गया, तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर एक्वायर कर लेगा, करेगा ना। तो अब लैंड आ रहा है तो मॉइस्चर लूज कर देगा, क्योंकि हल्का फुल्का मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर लूज कर देगा ऊपर उठेगा तो यही कहना चाह रहा कि लो लेवल टर्बुलेंस आता है बिकॉज ऑफ सर्फेस फ्रिक्शन एंड लोकलाइज वेदर चेंजेस। जो लोकलाइज वेदर चेंज है उसके कारण से, जो वेदर चेंज के कारण जो कुछ जो हो रहा है इफेक्ट वगैरह, या सर्फेस टर्बुलेंस के कारण उसमें हल्का सा टर्बुलेंस आएगा सर्फेस फ्रिक्शन के कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो ये समझ में आ गया ये पॉइंट। दूसरा देखो, एयर मास है ना मॉडिफाइड वाइल मूविंग इन द न्यूअर एरिया, कोई न्यूअर एरिया में जाएगा ना एयर मास, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए इसको जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझाएंगे अच्छे से, प्रैक्टिकल में नहीं बता पाएंगे ना, नहीं क्या बताएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेके जोड़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। अब ऐसे देखो ना, इसको समझने के लिए देखो, क्या है ये नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका है, हाँ अभी हम पढ़े हैं एयर मास पढ़ लिए हैं, उसमें से हम बोले हैं कि कॉन्टिनेंटल पोलर जो है और मैरिटाइम ट्रॉपिक है बहुत ज्यादा विजुअल होता है, अच्छा दिखता है, कंट्रास्ट होता है ये, तो कॉन्टिनेंटल पोलर का ले लेते हैं। तो कॉन्टिनेंटल पोलर मतलब क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल पोलर मतलब क्या हो गया, कहीं कॉन्टिनेंट पे होगा हाँ। और पोलर रीजन में होगा कनाडा, तो कॉन्टिनेंट में और पोलर रीजन में, तो यहां पर कहीं बनेगा कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास बनेगा। यहां पे हमारा क्या है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे क्या है, हमारा यहाँ पे ग्रेट लेक्स है यहाँ पे, है ना, और इधर क्या है, अपलाचिन माउंटेन है, अपलाचिन माउंटेन है ना जी, आप ऐसे करो ना, इधर रॉकी है, इस डायरेक्शन में ना इसको ना कट करके मतलब कि इमेजिन करो, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमको इसको जो है ना इसको स्टडी करते हैं इस डायरेक्शन में। तो ऐसे देखो, ऐसे देख रहा है ना कि ये इसको कट करके देख रहा है, मतलब कि लैंड पे हम देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ये कहीं अति हो गया हमारा, ग्रेट लेक्स हो गया, समझने के लिए देख रहे हैं ऐसे, ये हमारा क्या है,
अप्लाचियन माउंटेन, अप्लाचियन माउंटेन हो गया। ये हमारा क्या है? ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स ये क्या है? ये कनाडा वाला रीजन है। कनाडा यही है ना, यही है जो यहाँ प्लेन लैंड है, यहाँ पे ग्रेट लेक्स है, यहाँ पे अप्लाचियन माउंटेन है, क्लाइंबिंग ही तो है। इसी को हम बस ऐसे 3D में हम इसको खोल दिए हैं, मतलब इसको डायग्राम को हम इस तरह से खोल दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा एयर मास बन रहा है। हाँ। ये कौन सा एयर मास है? कॉन्टिनेंटल पोलर है ना, और ये कॉन्टिनेंटल पोलर है। यहाँ पे जो हमारा सरफेस है, यहाँ पे क्या है? ये मतलब बर्फ है, बहुत ज्यादा कोल्ड है, वेरी वेरी कोल्ड है। तो इसको क्या बोलेंगे ना, यहाँ पे इसको जो क्या ये क्या बोलते हैं ना, कॉन्टिनेंटल पोलर। और ये क्या है? ये कॉन्टिनेंटल पोलर, वार्म एंड अनस्टेबल है। हाँ, कॉन्टिनेंटल पोलर है, कोल्ड और अनस्टेबल। नहीं नहीं, कोल्ड नीचे वाला मतलब हाँ वार्म है। वार्म मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में ये कोल्ड है। हाँ। ये बहुत ज्यादा वेरी वेरी कोल्ड है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो एयर मास जो होगा, कॉन्टिनेंटल पोलर तो है लेकिन ये हल्का सा वार्म होगा और स्टेबल होगा। हाँ। क्यों? क्योंकि देखो हम अभी बताए थे कि नीचे का सरफेस अगर हमारा ठंडा है, ऊपर का सरफेस गर्म है, तो कोई नीचे स्टेबल होगा, स्टेबल होगा ना। तो ये बहुत ज्यादा ठंडा है, ये इससे ये तो बना है इसी के ऊपर ना, लेकिन लैंड बहुत ज्यादा ठंडा है, इसके रिस्पेक्ट में ये हल्का सा वार्म है, ये तो ये वार्म और स्टेबल होगा ये। हाँ। ठीक है ना। और ये बार मतलब मत समझना कि ये बार्म एयर मास है, ये बार्म एयर मास नहीं है, इसके कंपेरेटिव में ये बार्म है अथवा स्टेबल है यहाँ पे सरफेस के रिस्पेक्ट में। फिर यहां से ये एयर मास ऐसे मूव करेगा ना। और ये जो क्या होगा, ये जो कॉन्टिनेंटल पोलर है, यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ही कोल्ड होगा, कोल्ड एयर मास है और ड्राई है। एयर मास है जो कोल्ड एंड ड्राई है, समझो ना, कि ये जो कनाडा वाला रीजन है ये वेरी वेरी कोल्ड है, ठीक है। अब इसके कारण से वेरी वेरी कोल्ड है, इसके कारण से जिसके ऊपर जो लैंड मास, ये जो इसका ऊपर जो आएगा ना, जो एयर मास कॉन्टिनेंटल पोलर, वो अस्टेबल होगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ना ये जो है ना हमारा वार्म अनस्टेबल है, इसके रेस्पेक्ट में लैंड के रेस्पेक्ट में ये जो एयर मास है ना वार्म अनस्टेबल है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि ये वार्म एयर मास हो गया, है तो कोल्ड एंड ड्राई ही बन रहा है, तो पोलर रीजन में ना जी, तो कोल्ड एंड ड्राई है ये। ड्राई कहने का मतलब क्या होता है, डिजर्ट थोड़े ना होता है, हमारा डिजर्ट दो को होता है, ड्राई डिजर्ट मतलब होता है, मॉइस्चर नहीं है। हाँ, डिजर्ट मतलब दो होता है, कोल्ड डिजर्ट होता है, एक क्या होता है, वार्म डिजर्ट, एक वार्म डिजर्ट होता है। तो जो वार्म डिजर्ट होता है ना, वार्म डिजर्ट होता है ना, वो हमारा थार डिजर्ट हो गया, सहारा डिजर्ट हो गया, ये सब हो गया। कोल्ड डिजर्ट में पोलर रीजन, आर्कटिक, अंटार्कटिक, पोलर, ये सब हो गया। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या करेगा ना, ये एयर मास धीरे धीरे यहाँ मूव किया ना। अब यहाँ पे तो पानी था, यहाँ पे लेक है ना, यहाँ पे लेक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से मॉइस्चर धीरे धीरे उठेगा ऊपर, यहाँ से मॉइस्चर उठेगा ना, है? तो कोल्ड जो ये है, ये जो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल पोलर है, यहाँ पे है, क्या होगा धीरे धीरे, कोल्ड और अनस्टेबल। हाँ। समझ में आ रहा है, कोल्ड और अनस्टेबल। ये केक मतलब कोल्ड है, क्योंकि जो ज्योग्राफर लोग है ना, जो हमारे हाथ में थोड़े ना कि हम अपने मन से चेंज कर दें, एक स्टैंडर्ड है ये लिखने का। तो बहुत सा जो एयर मास होता है ना, तो उसको अगर अनस्टेबल दिखाना होता है ना, तो के से कोल्ड लिखते हैं और सी दिख देंगे तब कंफ्यूज हो जाएगा ना, सी मैंने कॉन्टिनेंटल होता है ना, तो इसलिए सी कॉन्टिनेंटल के कारण, सी के कारण यहाँ पे के दिखाते हैं, ठीक है ना। कोल्ड हो गया और अनस्टेबल हो गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वार्म है, अनस्टेबल है। कोल्ड अनस्टेबल जो है ना, ये कंपेरेटिव है, ठीक है ना। अभी भी ये कोल्ड एंड ड्राई ही है। नीचे कोल्ड इसलिए है क्योंकि ऊपर वाला कोल्ड इसलिए है क्योंकि नीचे वाला वार्म है। हाँ हाँ, मतलब उसके रिस्पेक्ट रिलेटिव है ये। हाँ। तो यहाँ पे कनाडा है, वेरी वेरी कोल्ड रीजन था, इसलिए यहाँ जो एयर मास बना है कोल्ड एंड ड्राई ही है, बट कंपेरेटिव में देखेंगे ना तो ये वार्म अनस्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये है हमारा, ये है तो कोल्ड एंड ड्राई ही है, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड एंड ड्राई ही है हमारा, अभी भी ये कोल्ड एंड ड्राई ही है। लेकिन ये कंपेरेटिव देखेंगे ना तो ये इसका कोल्ड और अनस्टेबल हो गया है इसके रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये हल्का इस रीजन में
इस रीजन का ये प्रॉपर्टी अटेन इसको गेन किया होगा ना, ये जो कोल्ड एंड ड्राई ये जो एयर मास है जो कॉन्टिनेंटल पोलर है इस रीजन का अक्वायर किया होगा प्रॉपर्टी, इसने अक्वायर किया था इसका, इसका जितना टेम्परेचर होगा उसी जैसा टेम्परेचर इसका अक्वायर किया होगा, हल्का सा वार्म होगा इसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ आया तभी तो, अब तो ग्रेट लेक्स तो वार्म हो गया, ग्रेट लेक्स तो वार्म है इसके रिस्पेक्ट में, ये वार्म है ना इसके रिस्पेक्ट में, नीचे है ना यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर में है, तो ये ठंडा हो गया, जब ये ठंडा हो गया अब सोचो ठंडा ऊपर में है गर्म नीचे है, अनस्टेबल हो गया, इसको इसको नीचे आना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए, इसको ऊपर आना चाहिए था, ये अनस्टेबल हो गया। अब क्या होगा ना कि ये जो मॉइस्चर जा रहा है ना ऊपर उठ रहा है ना हल्का हल्का मॉइस्चर, इसका 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 मॉइस्चर ये गेन करेगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है इधर बढ़ रहा है एयर मास, इधर बढ़ रहा है ना एयर मास, इधर जब आएगा ना तो क्या होगा ना ऊपर उठेगा एयर मास, ठीक है, और ऊपर उठे क्या करेगा ना कंडेंस, जो वाटर जो अक्वायर किया यहाँ से था तो कोल्ड एंड ड्राई, लेकिन कोल्ड ड्राई यहाँ पे कम्प्लीटली कम्प्लीटली यहाँ पे ड्राई नहीं रहा, यहाँ पे कम्प्लीटली ड्राई नहीं रहा क्योंकि मॉइस्चर अटेन कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेगा ना ये रेनफॉल करा देगा पूरा यहाँ पे, रेनफॉल जो होता है ना ये रेनफॉल मतलब कि ये मतलब तुम्हारा अथी होता है क्या बोलते हैं स्नोफॉल जैसा हो जाता है, हैवी स्नोफॉल हो जाता है, हैवी स्नोफॉल होता है यहाँ पे, हैवी स्नोफॉल। इसको जो हैवी स्नोफॉल होता है ना इसको बोलते हैं लेक इफेक्ट, लेक के कारण हो रहा है, लेक के कारण हो रहा है इसलिए लेक इफेक्ट बोलते हैं। तो हम तुमको रियल लाइफ में एग्जांपल लेके दिखाए हैं कि कैसे कैसे जो एयर मास है ना मॉडिफाई होता है बाय मूविंग इन द नियर एरिया, एयर मास है ना कैसे मॉडिफाई हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई था, यहाँ पे हल्का सा मॉइस्चर अटेन किया, फिर यहाँ पे अधिक कर देगा, यहाँ पे रेनफॉल करा देगा या फिर स्नोफॉल करा देगा, हैवी स्नोफॉल, जिसके कारण से ये फिर से ये क्या होगा कोल्ड एंड ड्राई हो जाएगा। तो कैसे एयर मास चेंज हो रहा है, तो एयर मास में क्या मॉडिफिकेशन होता है, पहला होता है कि लो लेवल टर्बुलेंस होता है बिकॉज ऑफ सर्फेस फ्रिक्शन एंड लोकलाइज बेदल चेंजेस, बताए थे ना अभी बताए थे ना अभी लोकलाइज बेदल चेंजेस, क्योंकि अगर मान लिया कि कोई एयर मास है और अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे सपोज अगर वर्षा हो गया वेदर चेंजेज, इस कारण से मॉइस्चर गेन कर लेगा, और अगर ऊपर जा रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे अति यहाँ पे क्या होगा कि मॉइस्चर लूज कर देगा। तो डिपेंड करता है कि लो लेवल टर्बुलेंस होगा सरफेस फ्रिक्शन के कारण और लोकलाइज वेदर चेंजेज के कारण। दूसरा में देखा क्या कि मॉडिफाई हो जाता है, ये मॉडिफाई हो जाएगा ये पूरा एयर मास मूविंग इन द न्यू एरिया, न्यू एरिया मूव करेगा तो मॉडिफाई हो जाएगा। और तीसरा है ना कि एयर मास होता है ना इंट्रैक्ट करता है दो एयर मास तो फ्रंट्स बनाता है, वहां पे बहुत सारा वेदर चेंजेस आता है। तीसरा कह रहा है कि जो एयर मास होता है ना जैसे कि यहाँ पे देखो ना, जैसे यहाँ पे देखो ऐसा सा बनाओ ना, ये आसान है मतलब कि ऐसे ले लो बॉक्स, बॉक्स टाइप का बना दो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके और उसके बाद ऐसे करके वहीं पर समझा दीजिए क्या वहीं पर समझा दीजिए। हाँ तो ये मतलब कि ये इस तरह से है ना, समझो ना कि एक ब्लॉक जैसा है, ये ब्लॉक जैसा है मतलब कि ये एयर मास है पूरा ये, ठीक है ना, एक एयर मास ये है तो ये बार्मर है और ये कोल्डर है, तो जो बार्मर एयर मास है ना और ये कोल्डर एयर मास है ना जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगा ना, जब इंट्रैक्ट होगा ना तो फ्रंट्स बनता है, फ्रंट्स बनता है मतलब कि एक एयर मास ऐसा इधर से है जा रहा है, एक एयर मास इधर से आ रहा है आ रहा है, ये जो बीच का जो बनेगा ना रीजन बहुत ही पतला रीजन होगा, बहुत ही मतलब कि 2D में क्या होगा ना कि दो एयर मास ना बहुत ही नैरो रीजन में ना बहुत ही नैरो रीजन में ना एयर मास क्या करेगा ना इंट्रैक्ट करेगा, इंट्रैक्शन जो होगा ना लॉन्ग नैरो रीजन होगा, ठीक है ना, टू डायमेंशनल वर्टिकल प्लेन जैसा होगा, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको फ्रंट्स बोलेंगे। अब फ्रंट्स बनेगा ना तो इससे बहुत मतलब कि अब जैसे कि एयर आया इधर से, एयर आया ऐसे और इधर से एयर आया ऐसे, ठीक है, तो क्या करेगा ना कि ये इधर इधर चला जाएगा टकरा करके, ये इधर चला जाएगा टकरा करके, ये सब इधर चला जाएगा, तो ये जो बन रहा है ना ये क्या है, ये बन रहा है ना ये फ्रंट ही तो है ना, ये एक फ्रंट बन गया, बार्मर वाला ऊपर जाएगा और कोल्डर वाला नीचे आएगा ना। हाँ ये तो मतलब कि वो तो तुमको दिखा रहे हैं कि हल्का सा स्लोप होता है, वो तो बात की बात, फ्रंट बताएंगे तो ना बताएंगे कि दिख नहीं रहा इसमें, देखो ना बार्मर है तो क्या इसका टेम्परेचर T1 ज्यादा है, कोल्डर का टेम्परेचर कम है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या है ऊपर जा रहा दिख तो रहा है कि ये ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये नीचे आ रहा है, दिखाया है ना डायग्राम में, ये नीचे आ रहा है ये ऊपर भाग रहा है हल्का सा, तो इस तरह से फ्रंट्स बनता है। अब फ्रंट्स बनेगा तो क्या होगा, अब मतलब कि दो को एयर मास आ रहा है ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये मतलब थोड़े ना है कि ये एयर मास ऐसे जा रहा है एयर मास ऐसे आ रहा है तो मतलब कि ये ऊपर चल जाएगा उठ के ये नीचे चल जाएगा उठ के, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि हल्का सा जैसे कि ये एयर मास इधर से आ रहा है और एयर मास इधर से आ रहा है, ठीक है, कोल्ड है मान जाए
तो ये मान लो कि एयर मास ऐसे आ रहा है, वार्म है या कोल्ड है, तो कोल्ड वाला कि क्या होगा ना कि हल्का सा झुक जाएगा ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा हल्का, क्योंकि कोल्ड भारी है तो इसका जो ग्राउंड वाला जो जुड़ा हुआ वो नहीं छोड़ेगा, नहीं तो ग्राउंड से जुड़ के रखेगा तो नीचे जाना चाहेगा, ये गर्म है तो ऊपर जाना चाहेगा, तो ऐसे बन जाएगा ये। कभी कभी क्या होता है कि इसको उठा कर टॉस करके ऊपर कर लेगा एकदम पूरा, तो अलग अलग फ्रंट बनता है कि कैसे स्टेशनरी फ्रंट होता है या फिर वार्म फ्रंट होता है, कोल्ड फ्रंट होता है, और फिर उसको उसके हिसाब से ऑक्लूडेड फ्रंट होता है, वो अलग फ्रंट बाद में बताएंगे, अलग वीडियो बनेगा। ये हम अभी यार समझा रहे हैं, इसका इंट्रैक्शन होता है तो फ्रंट्स बनता है, ठीक है ना। फ्रंट्स बनता है ना तो यहाँ पे बहुत सारा वेदर चेंजेस होता है, जैसे कि मान लो कि आया दो एयर मास आया टकरा के ऊपर गया, ऊपर जाएगा तो मॉइस्चर वगैरह है तो बारिश होगा ना वहाँ पे, तो दो एयर मास जब मिलते हैं ना तो वहाँ पे बारिश वगैरह होता है, अलग अलग तरह का क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, सिरस क्लाउड, निम्बस क्लाउड, क्लाउडो मतलब कि कुम्बलो निम्बस, सेरो निम्बस, अलग अलग तरह का क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, तो वो सब वेदर चेंजेस में आता है, ठीक है ना। तो ये तीन तरह का मॉडिफिकेशन है, एक तो हल्का सा टर्बुलेंस होगा, दूसरा जहां जाएगा जहां पैटर्न चेंज कर देगा वेदर वगैरह पूरा सब कुछ जो समझे यहाँ पे, और तीसरा है कि इंट्रैक्शन होता है तो फ्रंट बनता है और वेदर चेंजेस होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं काफी डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा इसमें ये एयर मास है, फ्रंट्स के बारे में लाएंगे, फ्रंट्स हो गया एक टॉपिक, फ्रंट्स होगा और एक साइक्लोन एंटी साइक्लोन, एक साइक्लोन होगा एक एंटी साइक्लोन होगा तीन, और एक क्लाउड क्लासिफिकेशन में दो होगा कोपेन थॉर्नबाइट का, और एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होगा, पांच छह टॉपिक और इसमें आएगा क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।